नमस्कार, मैं रजा अंसारी। आइए, कुछ और लोगों से बातचीत की जाए, अंदर आ जाए, बातचीत की जाए। मोबाइल की दुकान है, नया मोबाइल बेचते हैं कि रिपेयरिंग होता है? यहाँ रिपेयर होता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद करामत। मोहम्मद करामत, एकदम करामत का मतलब एकदम चमत्कार दिखाने वाला। जी जी जी। अच्छा, एक बात बताइए, अभी तो एकदम माहौल एकदम इलेक्शन का है, कोरोना वायरस भी चल रहा है, तो मोबाइल वाले लोग ठीक कराने आते हैं? नया मोबाइल खरीदने? नहीं, ज़्यादातर अभी नया मोबाइल ठीक कराने में जो है थोड़ा अपना नहीं आते हैं, आते हैं लेकिन कम सम आते हैं। हाँ, अच्छा एक बात बताइए करामत जी, कि अभी तो लोगों के पास पैसा कम है, थोड़ा सा लॉकडाउन का, फिर भी ठीक कराने कम आते हैं, मतलब नया ही खरीद रहे ज़्यादा? इलेक्शन वेलेक्शन का क्या चल रहा है यहाँ? इलेक्शन के बारे में तो अभी यहाँ ऐसा कुछ है नहीं। इलेक्शन तो होगा ना 6 महीना? इलेक्शन तो होगा। हाँ, अभी तो ऐसा कुछ बता नहीं पा रहे, कोई तो रुझान कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ इलेक्शन के लेकर के। ऐसे तो ज़्यादातर हम लोग को लगता है कि दीदी यहाँ आना चाहिए। दीदी तो है यहाँ? हाँ, ऐसे है, लेकिन इस बार भी दोबारा भी दीदी ही आना चाहिए। ज़्यादातर तो हम लोग को उम्मीद ये है कि दीदी ही आना ही चाहिए। दीदी काम वाम ठीक कर? हाँ, मोटा मोटी देखिए, काम के बारे में तो नहीं बताएंगे, लेकिन जो हिसाब है मोटा मोटी जहाँ तक हम लोग को लग रहा है कि काम फिलहाल ठीक ही हो रहा है। लॉकडाउन में दीदी की तरफ से बहुत सहायता हुआ? हाँ, कुछ तो सहायता मिला है, कुछ तो गरीब लोग को, तो कुछ जहाँ तक हम लोग मतलब जहाँ तक देखा है और सहायता कुछ तो मिला है। अच्छा, आप कोलकाता के ही निवासी है या बाहर के? हम बिहार के हैं। बिहार कहाँ से? बेगूसराय। वोट यहाँ है कि बिहार में? बिहार में है मेरा। मतलब यहाँ पर जो लोग आ रहे होंगे तो देख रहे होंगे ना? एक बात बताइए कि क्या लगता है कि यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी आएंगे तो ममता बनर्जी को नुकसान हो जाएगा या? जी हाँ, नुकसान तो होगा। हम तो यही बोलेंगे कि भाई उनको नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो तो देखिए हमारा वो सिर्फ एक कौम को लेकर के चल रहा है, और दीदी जो है सभी को लेकर चलते हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी हो, एनी बडी, सभी को लेकर वो चलते हैं। दीदी मतलब दीदी सबको लेकर चलते हैं? जी जी। अच्छा, एक बात और बताइए कि जैसे ट्रिपल तलाक वगैरह हुआ, CNRC हुआ, तो बहुत सा मतलब असदुद्दीन ओवैसी एकदम जोश में थे, तो जोश का कोई फायदा बंगाल में नहीं है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ हमको फायदा, हालांकि देखिए ये जो ट्रिपल तलाक के बारे में, ये तो मसला जो है वो बड़े बड़े ओलमा ही बता सकते हैं, इसमें तो हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं, समझ ना, ये मसला वही बता पाएंगे। और बात रहा ओवैसी भाई का, तो वो अपना जगह वो ठीक है, बंगाल में नहीं आए। हाँ, बंगाल में उनको आना दुरुस्त नहीं लगता है। एक बात बताइए, BJP कह रही है कि दीदी जो है बहुत कमज़ोर हो गई, बहुत सारा लीडर इधर उधर चला जा रहा है। नहीं, कमज़ोर तो देखिए ऐसा तो बात नहीं है कि दीदी कमज़ोर हो गई है, मेरा हिसाब से जो है दीदी यहाँ बहुत ही बेहतरी हम लोग को लग रहा है, मेरा हिसाब से। असदुद्दीन ओवैसी को नहीं आना चाहिए? नहीं, वो उनका थोड़ा अभी मतलब जो देखिए बिहार का जो इलेक्शन हुआ, जिस हिसाब से देखा मतलब नज़र आया, तो उस हिसाब से हम लोग को नहीं लग रहा है कि यहाँ पे वो आना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए कि ममता बनर्जी, क्या भारतीय जनता पार्टी क्या लगता है कि सरकार बना सकती है या विपक्ष में ही बैठेगी, कैसा क्या? इसके बारे में तो नहीं बता पाएंगे, मगर ममता बनर्जी आ रही। हाँ, इंशाल्लाह वो ज़रूर आना चाहिए यहाँ। मुसलमानों के साथ है ममता बनर्जी? वो सभी के साथ है, ये कुछ हाँ अरे वो वैसे भी एक वो भी सभी को लेकर चलते हैं, लेकिन उनका लेकर के हमको ज़्यादा उतना कुछ समझ में नहीं आया जो हम यहाँ दीदी का देख रहे हैं, उनका लेकर के ऐसा कुछ समझ में धर्म के नाम पर वोट नहीं होगा, मतलब दाढ़ी टोपी आप रख भी रहे हैं तो ममता बनर्जी को वोट जाएगा? हाँ हाँ, ऐसा ये धर्म के नाम पर ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर, कि जो देखिए जो अच्छा काम कर रहा है उसी के नाम पर वोट यहाँ जाएगा, काम जिसका अच्छा होगा उसी के नाम पर वोट जाएगा। तो ममता बनर्जी के काम से शायद जनता खुश है, और इसीलिए जो लोग हैं वो ममता बनर्जी को फिर से वोट कर रहे, सरकार में लाने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी शायद मजबूत हो सकती है, मगर ग्राउंड रिपोर्ट में तो यही लग रहा है कि ममता बनर्जी फिर से सरकार बना रही है, सत्ता में आ रही है। मैं रजा अंसारी कोलकाता से अपडेट कर रहा था, जुड़ूंगा दूसरे अपडेट के साथ। शुक्रिया।